शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज पहले वाला प्रज्ञान सुप्रदाने स्थिरचरणितना याज्ञभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् मुरारिः भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पितृणा सर्वान् विशेषान् स्वसति मधुरभुम् मायया भोजयन्तो माया संख्या तुरीयं परमृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतो। यहाँ पे सृष्टि होना पारमार्थिक संभव नहीं है, इस चीज को ग्रंथ में सिद्ध कि सत यदि कारण है तो सत से न सत की उत्पत्ति होना संभव है, सत से न सत की उत्पत्ति होना संभव है। यदि असत को कारण मानते तो असत से तो असत की उत्पत्ति होना तो सत की उत्पत्ति होना। तब बहुत भारी शंका हुई कि ये जो है आप बोलते हैं उत्पत्ति होना संभव नहीं है, परंतु आपकी सूत्र द्वारा तो अपनी विद्या को परंपरागत विद्या मानते हैं, तो आपके सूत्रकार ने तो ब्रह्म के लक्षण करते हुए दिखाया जन्म दस्यजत यानी कि सृष्टि आदि जहाँ से होना संभव है ब्रह्म, तब तो आपका सिद्धांत के साथ मुख्य सिद्धांत के साथ विरोध हो जाएगा। आज माता जी ने पूछा कि स्वामी जी ये जो अजातवाद यहाँ पे हमारे गौड़पादाचार्य बोल रहे हैं और भी ग्रंथ में भी अजातवाद है क्या, और इधर उधर अटक जाना नहीं है, भगवद्गीता तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, भगवद्गीता में कहीं अजातवाद कुछ बोला क्यों जी? पता नहीं, यही तो बात है। भगवत स्वयं अपने मुँह से क्या बोला, अजो किसन अभय आत्मा भूतानाम ईश्वर संभवामी आत्ममाया, वो अपने वस्तु में करके सारा माया जगत है, मैं तो जन्म रहित हूँ। आप बोले कि भगवान जन्म रहित है, हम तो जन्म में मरने वाला है स्वामी जी। द्वितीय अर्थ है कि दूसरा श्लोक नहीं कि बारहवा श्लोक नहीं बोलते न ते वह हम जातु न सम न तम ने मैं जो नाधिपा न चाहे वो न भविष्य हो सर्वे वयम अतपरम। भगवान वहाँ पे नहीं दिखाया अलग कि मैं अलग हूँ भगवान हूँ, तुम मेरा सिद्धांत अलग है, तुम जीव तुम्हारा सिद्धांत अलग, ऐसा नहीं दिखाया भगवान वहाँ, है कि नहीं? दूसरा तीसरा ना हम प्रकाश सर्वस्व लोकमय समर्पित मूह हम ने अभिजाना थी लोकमय सप्तम अध्याय नवम अध्याय में आकर के पश्चिम जो नाच मुंतानी भूतानी पश्चिम जो उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, पूरा विवर्त वास्तव। तो इस प्रकार से ये जन्म रहे पारमार्थिक है, क्योंकि भगवान बोलेंगे अब भगवान जन्म रहे तो हम तो जीव है, बोलते तुम जीव नहीं है, भगवान तो स्वयं अपने आप बोलते हैं विभूति में, सबसे पहला विभूति का है अहम आत्मा गुणा के इसीलिए जड़ की उत्पत्ति होती है। ठीक है जड़ की उत्पत्ति चेतन की उत्पत्ति है नहीं, कहीं उत्पत्ति नहीं है, और जड़ की जो उत्पत्ति की प्रतीति होती है वो प्रातिभाषिक है, वो पारमार्थिक नहीं है। और भगवान इसमें हमको अब इसका स्पष्टीकरण और इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला था, इसीलिए हमने सृष्टि की मान्यता दी क्योंकि सामान्य अधिकारी को शुरू में अजातवाद समझ में नहीं आता, फलत हमने लिया किया ठीक है तुम सृष्टि को मानते हो मान, परंतु सृष्टि को कितना कारण मानो,
जो शास्त्र को पढ़ने वाला है शास्त्र में जानता है, तो सृष्टि के पीछे मूल एक ही कारण है कि परमाणुवाद अथवा प्रकृतिवाद अथवा शून्यवाद इसके ऊपर भरोसा नहीं करें, तो वेदांत विभाग करें। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कम से कम वो जो है एक वस्तु को तो देख रहा है, अब वो वस्तु जन्म वाला है कि मरने वाला है, पर जन्म वाला नहीं है वो बाद में समझ में आएगा, परंतु पहले एक वस्तु को मानना सीखा तो क्या होगा, जन्म के माध्यम देखा कि मैं पहले बोला कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ रहे हैं, कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, कारण के बिना कार्य होना संभव नहीं है, तो अच्छी तरह से पर्यालोचना करके उस व्यक्ति जब समन मरण करके वो देखते हैं जगत के मूल कारण एक ही भगवान ही है, तब क्या हो जाएगा, सभी में एक भगवत दृष्टि हो। ठीक है, जन्म होगा कि मान देखो, परंतु बाद में जब देखेंगे अरे अपने आप ही बोलते हैं कि आत्मा में तो चेतन, मैं अपने को चेतन मानता हूँ, आत्मा की सृष्टि नहीं है, जड़ की सृष्टि है, जो भूत भौतिक पोस्ते उसकी सृष्टि है, आत्मा की सृष्टि नहीं है। तो जो पारमार्थिक आप क्या है, ये आत्मा के ऊपर दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आत्मा की सृष्टि को ऐसा मानते हैं। अब देखिए वहाँ पर एक शब्द आया, क्यों समझ में नहीं आता ये, क्या ना हम प्रकाश सर्वस्व योगो माया समाप्त मूल हमने अभिजाना, ये समझ में नहीं आता हमको, अजात बात समझ में नहीं आता, क्या समझ में नहीं आता, लोगों में अचमक में मैं जन्म रहित आत्मा जन्म रहित वह रहित एक तत्व समझ में नहीं आता। बहुत सामान्य दृष्टांत देंगे, आप पिक्चर हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने, तो आपके पास पहले क्या होता है, एक सफेद पर्दा, ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही पिक्चर की रील चलना शुरू होता है प्रकाश से पर्दा के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र दिखाई देने लगते हैं, उस समय भी हम पर्दा को ही देखते हैं, उस समय भी हम पर्दा को ही देखते हैं, परंतु हमारा चित्र मन को ऐसा आकर्षण कर लेता है पर्दा भाव भूल जाते हैं। ये भगवान भाष्यकर वहाँ पे बोलते हैं योगो माया योगो युक्ति घटनम तदेव माया योगो माया, मतलब क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे अंतर में शुद्ध चेतन पर्दा जैसा विद्यमान है, अब जैसे यहाँ पे इतना अच्छा सत्संग शुद्ध है कुछ बात नहीं, जैसे बाहर पहुँचा किसी ने कुछ अवांछित अथवा अनभिप्र शब्द कह दिया तुरंत, पहले को ऐसा बोल रहे तो ऐसा नहीं किया, ऐसा बोल रहे युक्ति लगा लें, उस समय हमारे मन में ये भावना आता ही नहीं है, ये तो क्या हुआ, हम शुद्ध चेतन है जन्म रहित हूँ और उसके रहने के कारण ईश्वर की एक आधिभौतिक शब्द एक आधिभौतिक वस्तु है, ईश्वर के एक आधिभौतिक शब्द को एक आधिदैविक ने ग्रहण किया, परंतु वो भाव मन से हट जाता है, और क्या होता है मेरे को खाई युक्ति घट मेरे को क्यों कहा, मैं उसको ये कहूँगा, वो सफेद पर्दा ही देख रहा है, कौन देख रहा है इसको, शुद्ध चेतन इसी को समझ पा रहे हो, परंतु शुद्ध चेतन को अवृत करके वो युक्ति जितना बुद्धि वृत्ति लगा रहे उसी को पर कार्यशीलता में शिक्षा घूमता रहे, सत्य योग माया त्रिगुणात्मिका माया मायिक वृत्ति से युक्ति लगाते हुए क्या करते हैं, हम उस पर्दा को उठा देते हैं, देखते उस पर्दा से ही है, उस पर्दा को अवलंबन करके ही देखते हैं। इतना सुंदर श्लोक है ना हम प्रकाश, इसलिए शुद्ध आत्मतत्व प्रकाश नहीं हो पाता जो आत्मतत्व जन्म रहित है, ये अब ये नहीं समझना कि भगवान जन्म रहित हम जन्मने वाला हूँ, तब हमारा जन्म मृत्यु के बंधन कभी नहीं छुड़ेगा, इसी को छुड़ाने के लिए तो प्रयास है, इसलिए मैं वास्तविक पारमार्थिक मैं जन्म मृत्यु से रहित असंग पूर्ण शुद्ध चेतन तत्व मात्र हूँ, आप इसको समझ में क्यों नहीं आता, योगमाया समाप्त तो क्या, ये युक्ति घटना अपनी बुद्धिवृत्ति से मतलब परिच्छिन्न अहंकार को आश्रय करके बुद्धिवृत्ति को लगाते रहते हैं, बुद्धिवृत्ति को लगाते रहते हैं, और कहाँ उसको समझ में कैसे आता है, शुद्ध चेतन के ऊपर दिखाई पड़ता है, परंतु क्या करता है शुद्ध चेतन को उठा देता है, परिच्छिन्न चेतन शुद्ध चेतन को ये जो है ये अपने आप ही भगवान बोल रहे हैं, जन्म सृष्टि होना पारमार्थिक संभव ही नहीं है, भगवद गीता भी ठीक से यदि हम पढ़ेंगे, हाँ ऊपर ऊपर पढ़ने की एक बात है, जैसे हम को ये नहीं हमने वो ये जो स्कंद वाले को प्रभुपाद जी का लिखा भगवद गीता, वो सामान्य व्यक्ति जो थोड़ा भी होता है डेप्थ नहीं है, सामान्य व्यक्ति को भक्ति मार्ग में लगाने के लिए उसको कोई भी है तो डेप्थ नहीं है उसे, कि अंदर ही मेरा तो क्या है वो समझना मुश्किल का प्रवास है, हो सकता है उन्होंने उसको समझ में आए होंगे सामान्य व्यक्ति को देखकर कर उसने व्याख्यान किया, परंतु जो है उस शब्दों में तो उतना डेप्थ नहीं दिखाई देती जितना भाष्यकार के शब्दों में दिखाई देता। यहाँ भी ये जो क्यों हमने जाति को मतलब उपदेश क्यों किया भगवान वेदव्यास ऋषि ने जन्मांतर से जाति सूत्र पर क्यों रचा, क्योंकि पहले आपके मन में एक निश्चय हो जाएगा मूल जगत के कारण एक ही है और कोई भी कार्य अपने कारण को छोड़कर के कभी भी नहीं रह सकता,
तो फल तो क्या है, सभी के अंदर एक ईश्वर तत्व तो एक आत्म तत्व विद्यमान, ये निश्चय होता है। ठीक है, जन्म दिखाई देता कोई बात नहीं, बाद में आपने आप जब विचार करने लगे मतलब अरे जन्म यहाँ तो होना संभव नहीं है, माया से प्रतीत हो अंधकार, जो एक वस्तु है वहाँ पर तो निश्चय कर दिया एक ही वस्तु है और उसमें कारणता नहीं है। इसी को देखो समझा रहा है कल इस पंथ का हमने पढ़े थे, कल कौन सा श्लोक चल रहा था 42, उसका टीका चल रहा था, टीका में थोड़ा छूटा हुआ था, 42 नंबर श्लोक को सब मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। ये जन्म से मतलब जब मैं मेरा अस्तित्व हो जाए, इससे ना एक चीज और समझ में आता है, ध्यान दे रही यही उपनिषद भाष्य से आपको सब समझ में आ जाएगा। साधन करते करते यदि ईश्वर विपासित, यदि आप अपने को शरीर से निषिद्ध कर पाते हैं, निषिद्ध करते करते जो निषेध की अधिष्ठान बचेगा, तो निषिद्ध करते करते हमारा अभ्यास बन गया उपाधि के साथ अपने को देखने का, तब उस समय क्या होगा, डर अजाति त्रसतम, मतलब जन्म रहित तो स्थिति को मैं अकेला हूँ और बीच में कुछ नहीं है, यदि ईश्वर के पास ये कभी कुछ अनुभूति के सूर्य में यदि कभी आता है तब डर लगता है, ये क्या होता है, मतलब अपने को उपाधि के साथ ये क्या होगा, जैसे कुछ नहीं है, मतलब एक स्वप्न स्थान क्या उसको अभिव्यक्त करना मुश्किल, पर एक डर भाव रहता है। यदि उस समय ईश्वर के पास मन थोड़ा सा स्थिर होकर के जो है अरे ये तो शास्त्र में ऐसा कहा, थोड़ा सा एक कोटि नीचे आना पड़ेगा, मन अमन हो गया एक कोटि नीचे आना पड़ेगा, फिर मन तुरंत पड़ेगा अरे शास्त्र में तो ऐसे ही कहा, कुछ नहीं है तो डरने की नहीं, नेक्स्ट बस डर। परंतु वो जो अजात स्थिति को हम समझ नहीं पाते, डर अजात वो स्थिति यदि ईश्वर के पास कभी निश्चित करते करते निश्चित करते करते यदि निश्चित के अधिष्ठान एक बार अनुभव मानने लगते हैं तो अचानक एक डर जैसा भी अनुभव, परंतु उससे बाहर आ सके थोड़ा सा धीरज रखने से, उस स्थिति को छोड़ना नहीं, उस स्थिति को रखते हुए एक कोटि मन नीचे आ जाएगा, मैं उठ जाता हूँ, उठना नहीं है वहाँ पर, घबराहट नहीं होना, बस थोड़ा सा वहाँ पर चुप बैठे हैं तो अपने आप जो है अभिव्यक्त तत्व जो स्पष्ट होकर के कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहा, मन नहीं काम कर रहा, बुद्धि नहीं काम कर रहा, फिर भी हमारा अस्तित्व को और अस्तित्व ही अस्तित्व को अनुभव कर रहे, मतलब विषयात्मक नहीं है वो जो आरोचेतन अस्तित्व, क्योंकि क्या होता है कि लोग भक्तिवान में लोग बोलते हैं हम तो चीनी खाना चाहते हैं, चीनी के आनंद देना चाहते हैं, चीनी नहीं होना चाहते हैं, पर वो नहीं समझते हैं चीनी जड़ है, इसलिए चीनी चीनी का आनंद नहीं ले सकता, मैं चेतन हूँ मैं अपना आनंद अपने समझ सकता हूँ। ठीक है, भक्तों की कुछ उपमान निषेध नहीं करते हैं, भगवान के साथ उनकी लीला उनका भाव हम स्वीकार नहीं करते, परंतु वेदांतिक सिद्धांत इसका मतलब गलत है, ये बात नहीं है, आप चेतन हैं, आनंद स्वरूप है, आप स्वाभाविक अनुभव में आ जाएगा, स्वाभाविक अनुभव में आ जाएगा। इसलिए आप ये बोलते हैं कि इसके पीछे कल देखो इस पंक्ति को हम पढ़ रहे थे, तत् विषयेषु यदा ब्रह्मण सकाशात अशेष जगत भवति, ये ध्यान रखना है, उम्मीद चीज यही है, उस व्यक्ति ने एक काम अच्छा किया, क्या किया, जगत उत्पत्ति तो माना परंतु क्या माना, भगवान से सब कुछ बस, ये अनुपरमाणु वो शून्य अथवा प्रकृति वो छो नहीं मानना, ये फ्लास्ट पॉइंट है उनका। इसलिए यदा ब्रह्म सकाशात अशेषम जगत भवती इति अभ्युपेतम जैसा तदा तद अतिरेक न जगत अभावात, इसलिए भगवान को छोड़ करके इस जगत में कोई वस्तु हो ही नहीं सकता, जगत के अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा यदि ईश्वर अंदर का अधिष्ठान रूप में ना रहे आत्मा है, इसलिए अभावात ब्रह्म ही सर्वम इति निश्चित, क्या होता है जो भी कुछ संसार में लिखा होता है ठीक है, जन्म मान करके बोल रहे हैं आपको ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वेदगुम सर्वम, आत्म ही वेदगुम सर्वम, पुरुष एव इदम विश्वम, ऐसा करो सब कई जगह पे बोल दिया ईश्वर। अब क्या होगा, आप जब इसको मन में रख करके ब्रह्म ही जगत का कारण है आप विचार करते चलेंगे, विचार करते चलेंगे तो एक जगह पर आएगा, श्रुति बोलती है क्या कि इसमें तो विकार होना परिणाम होना संभव नहीं है, जिस तत्व को जगत के मूल कारण के रूप में पतन रूप में दिखाया गया है उस तत्व में निराकारम निर्विकारम आकार नहीं है विकार नहीं है, तो उसको कैसे वहाँ जो परिणाम होना संभव होगा, तब हम स्वयं ही अपने आप निश्चय करेंगे प्रतीति मात्र है, पारमार्थिक रूप परिणाम नहीं है, इसको समझाने के लिए बोलते हैं
तद विषयेषु च वेदांतेषु, वो जो ब्रह्म को विचार करने के लिए वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्य पूर्वापरि पूर्वापरेण आलोचितेषु, जब उसको पूर्वापर मतलब तात्पर्य निर्णय शैलिंगों के माध्यम से विचार करके उसको आलोचना करेंगे, तद अभ्यासिना, इस प्रकार अभ्यास करने वाले अधिकारियों का सामान्य व्यक्ति नहीं, ठीक है ना। वेदांत वाक्य को मन में रखकर के बार बार विचार करना, उस पर प्रश्न तात्पर्य निर्णय शैलिंगों के द्वारा किसको किसको प्रतिपादन करना चाहता है यहाँ पे, उस प्रकार निर्णय करने से तद विषयेषु च वेदांतेषु पूर्वापरेण आलोचितेषु तद अभ्यासिनां, इस प्रकार अभ्यास करने वालों का तेषां तद अभ्यास प्रसाद, ये चीज जो आनंद जी है सुंदर शब्द प्रयोग किया हुआ, इस अभ्यास की प्रसन्नता से अभ्यास, देखो अभ्यास एक लगते हैं कि जड़ नहीं, वो अंदर जो चेतन तत्व तो बैठ करके आपको इस प्रकार चिंता करने के लिए मनोवृत्ति दे रहा है, उसकी प्रसन्नता से, उसकी प्रसन्नता से अभ्यास की प्रसन्नता, मतलब क्या हो जाएगा, मैं भगवत की चिंतन करूं, मैं ध्यान करूं, वेदांत विचार करूं, ये जो वृत्ति मन में ला रहे हैं ये सूक्ष्म योग क्षेम भगवान वहन करते हैं, योग क्षेम भगवान होते हैं, क्या जब आप भगवत निष्ठ होंगे तो उस वृत्ति को बनाकर रखने के लिए भगवान जो है आपकी मनोवृत्ति देंगे, ये उसमें दृढ़ निष्ठा है, इसलिए आगे बोलते हैं कि तद अभ्यास प्रसादा, इस भगवत चिंतन की आत्मचिंतन के अभ्यास की प्रसन्नता से क्या होगा, प्रसन्न कूटस्थ अद्वितीय वस्तु, अभ्यास क्या होगा, भगवान जो है वो कूटस्थ अद्वितीय भेद रहित वस्तु है, वही पारमार्थिक सत्य है, वो मतलब परिणामी नित्य तो नहीं है, संकृति प्रकृति परिणामी नित्य है, और वेदांत की जो मूल कारण है वो कूटस्थ नित्य, ये भिन्नता है, इसलिए हमें बोलते हैं कि कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेक दार्ढ्यम शिक्षति, तब विषय संबंधित जो विवेक है वो दृढ़ हो जाएगा, वो दृढ़ विचार करते करते दृढ़ हो जाएगा। एक टिप्पणी करते हैं यहाँ पे है प्रसादात शब्द करते करते सामर्थ्य, विचार के सामर्थ्य से अंत में दृष्टि तरह से आओ कहने के लिए जाओ, विचार करने की सामर्थ्य किससे आ रहा है, बार बार मन को घुमा घुमा के उस तत्व में ले जाने के लिए सामर्थ्य किससे आ रहा है, आपका पूर्वज सुकृति है और साथ में ईश्वर की सचिव, ये दोनों में मिल करके जो सामर्थ्य है उसके फलस्वरूप क्या होता है, कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेक दार्ढ्यम, विषय विवेक दार्ढ्यम शिक्षति, देखो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बार बार इस प्रकार विचार करने का फल क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपजानते, मैं उनको पहले बुद्धि योग देता हूँ, बुद्धि योग यही है बार 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 इस शब्द तत्व संबंधित विचार करना, फिर क्या बोलते हैं नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानमि वेद नाश, ये क्या करते हैं, मैं उनके अज्ञान को ज्ञान रूपी भाष्य प्रकाश के द्वारा अंदर बैठ करके मैं ही नाश करता हूँ, इसी उपनिषद में कैसे बोलते हैं, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तमुषा, ईश्वर अंदर बैठ करके अपने ऊपर का आवरण भटकाते हैं, हम जब तक प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारा छोटा सा एक मैं प्रयास कर रहा हूँ वो प्रतिबद्ध बनता है, इसलिए एक समय आके पूर्ण रूप से ये यही हो गया, यहाँ पे प्रसादा अभ्यास प्रसादा, ये अभ्यास करने से पता लगेगा होता क्या है अंदर से, इसलिए कि इसके सामर्थ्य से कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेक दार्ढ्यम, उस विषय संबंधित जो विवेक है दार्ढ्यम शिक्षित इति अभिप्रेत्य, देखिए हमारे करुणामय जो परम्पराविद आचार्य है इसी को मन में रखते हुए इति अभिप्रेत्य अद्वैतवादी भी, मतलब परंपरागत आचार्यों के द्वारा अद्वैत तत्व को प्रकाश करने वाले संप्रदाय भी आचार्यों के द्वारा जाति रूपनिष्ठा सृष्टि के बारे में उपदेश किया गया है ना, जाति रूपनिष्ठा यहाँ भी कमा लगा देना पूर्ण पंथ में एक एक करके ना, यहाँ भी कम जाति उपदेश, क्योंकि प्रश्न किया था ना आपका गुरु जी ने मतलब जन्मांत से सूत्र कैसे लगाया कैसे बनाया, जाति को उपदेश क्यों किया, इसको मन में रखा न तो फिर न तो द्वैत स्मृति का न्यायत निरूपयितुम अशक्य, द्वैतस्य द्वैतस्य विशेषण क्या दिया, श्रुति तो न्यायतस्य निरूपयितुम अशक्य, ये द्वैत का विशेषण है जिसको श्रुति वाक्य के द्वारा और युक्ति के द्वारा जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते द्वैत प्रपंच, श्रुति वाक्य के द्वारा इस प्रकार मान लीजिए जैसे हमने इसको छुया तो आप क्या बोलेंगे, मैंने स्टैंड को पकड़ा घड़ा को पकड़ा, तो हमने क्या बोलेंगे, मैंने घड़ा को पकड़ा, पर तुम थोड़ा विचार करके देखो आपने घड़ा को नहीं पकड़ा, मिट्टी का कुछ मिट्टी का कुछ है, अपने स्टैंड का जो मेटीरियल उपादान कर उसको चटन लग गया, इसी प्रकार से जब ही कुछ इंद्रियों के द्वारा वस्तु को देखते हो थोड़ा धैर्य से विचार करो,
आप उस वस्तु को साथ व्यवहार नहीं कर रहे, उस वस्तु को साथ स्फूर्ति प्रदान करने वाला जो तत्व है उसके कारण से उसका भी अनुभूति हो रहा है, उसको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ये युक्ति है, ये युक्ति श्रुति तो अपने आप निषेध करती है। श्रुति क्या बोलता है, निहाना नास्तिक मृत्यु समृत्यु मापते जो है नाना योग भेद तो है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं न तो द्वैत श्रुति तो नयत निरूपित अशक्क, मतलब ये द्वैत प्रपंच श्रुति के सहारे अथवा युक्ति के सहारे आप निरूपण करना आपका संभव है ही नहीं। इसलिए न तो द्वैत श्रुति का नयत निरूपित अशक्त परमार्थत्म भेदता, वो परमार्थ का ऐसा ग्रहण करके जाति न उपदिष्टा न उपसंजाति न उपदिष्टा, इसलिए हमने सृष्टि को उपदिष्ट नहीं किया। अजाति रे पारमार्थिक है क्योंकि जन्म राहित्य ही पारमार्थिक है, ठीक है। वहाँ पे गिरिंद्रा जाति उपदिष्टा वहाँ पे कमा करके इति अजाति रे पारमार्थिक इति अर्थ, ठीक है। तद विषयेषु वेदांतेषु गौरवपरेण आलोचितेषु तद अभ्यासिनां तेषां तद अभ्यास प्रसादादेव कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेक दार्ढ्य शेष्यति, है ना। एक पांच पाठ हो गया, इसी को मन में रखते हुए संप्रदायविद आचार्यों के द्वारा जन्म के उपदेश किया गया है, न कि श्रुति और युक्ति के द्वारा जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता सिर्फ उसको प्रतिपादन करने के लिए, यदि हमारा अभिप्राय नहीं है। इसलिए बोलता है न तो द्वैत श्रुति तो न्याय शरीर अशक्त परमार्थत्म भेद तो उसको पारमार्थिक मान करके ये जाति को उपदेश किया गया, ये बात नहीं है। न जाति उपदिष्टा ये अजाति रे व पारमार्थिक, इसलिए जन्म राहित्य ही हमारी पारमार्थिक स्थिति है। अब देखिए 11 नंबर टिप्पणी बोलते हैं श्रुति तो ये नेहन नास्ति इत्यादि श्रुति श्रुति सामान्यस्य द्वैत निषेध एव तात्पर्य अवधारणा, जो सामान्य श्रुति का द्वैत के निषेध में ही तात्पर्य है, ठीक है। उसका उपक्रम में और उपसंहार में देखिए कि एक 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 में वो अद्वितम करने शुरू करते हैं, अंतिम में कोई बीच में जो भी विस्तार दिखाई पड़ता है वो एक में वो अद्वितम को समझाने के लिए तात्पर्य उसमें ही है। निहना नास्ति इत्यादि श्रुति श्रुति सामान्यस्य द्वैत निषेध, उनका द्वितीय अपने आप होती द्वितीय कोई भयम भवती मृत्यु समृत्यु मापनते जो है नाना ही भवश्य निहन नास्ति किंचन, कई श्रुति निषेध करते हैं। ये हो गया ग्यारह। अब टीका के लास्ट लाइन में चतुर्थ पादार्थम आह, चतुर्थ पाद क्या था इसका, अजाते प्रसद आह सत्य चतुर्थ पाद, है ना। ये लोग मतलब जन्म रहित से हमेशा डरते रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व ही चला जाएगा, मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि वो जो है धर्माचरण के माध्यम से पुत्र परिवार के साथ रहने के धार्मिक है, धार्मिक है, ईश्वर को मानते हैं, परंतु उसको ये समझ में नहीं आता कि इसके बिना ही हमारे अस्तित्व सिद्ध होता है, इसके साथ हमारा अस्तित्व तो अभ्यास हो गया जन्मांतर, इसे लोग डरते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि चतुर्थ ते ही श्रोत्रिय, है ना, वो लोग शास्त्रीय है, मतलब शास्त्र में निष्ठा रखते हैं, गजन जजन पठन पाठन अध्ययन अध्यापन सब कराते हैं, दान ग्रहण करते हैं, परंतु स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म वस्तु देखने का मानसिक सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जत कर्मिनो न प्रेरयन्ति रागा तेनातुरा शीन रोगस्य, ये कर्म के प्रति आसक्ति होने के कारण, शास्त्र के धर्म आचरण के प्रति आसक्ति होने के कारण उसके प्रति यहाँ है तेनातुरा शीन रोगस्य बनते, जैसे उसके कर्म प्रसिद्ध होते वहाँ से तो चले। और तत्र प्रेय श्रेय अनुसार हियत ही अर्थात जायु प्रेय गुणते, है ना, कठोपनिषद है हियत ही अर्थात जायु प्रेय धर्मार्थ काम को जो ग्रहण करता है ना वो श्रेय रूपी परम पुरुषार्थ से च्युत हो जाते हैं। सामान्य रूप से बोलते हैं दो पुरुषार्थ, एक हो गया मनुष्य जीवन में सफलता, एक हो गया मनुष्य जीवन की सफलता। मनुष्य जीवन में सफलता और जीवन की सफलता इन दोनों विभाजन नहीं कर पाता, वो मनुष्य जीवन धर्म आचरण करके मनुष्य जीवन में जो सफलता है मतलब अर्थ धर्म मार्ग में रहकर कर्तव्य करके भोग कर रहे समाज में प्रतिष्ठित है, इसी को जीवन की सफलता मानते हैं। परंतु मनुष्य जीवन में सफलता, परंतु मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है, मनुष्य जीवन की सफलता तो मुक्ति से संसार बंधन से मुक्ति होने भी हो सफलता है, इसीलिए वो उससे डरते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। श्रोत्रिया स्थूल बुद्धि अजाते अजाति वस्तु न, जो जन्मरहित वस्तु है उस वस्तु से सदा प्रसंत्य, हमेशा यहाँ पे वस्तु में कौन सा वस्तु होना चाहिए,
स्थूल बुद्धित्वात् अजाते अजाति वस्तुना पंचमी पंचमी मेरा कहने का है उससे डरता है अजाति मंत्र जन्म रहित से डरता है ना, इसलिए अजाति वस्तु तो षष्ठी और सप्तमी एक ही रूप आते हैं ना उसका, यहाँ पे पंचमी लेना है ना, उस जन्म रहित वस्तु से हमेशा डरते रहते हैं सदा त्रसंती है। क्यों डरते हैं? आत्मनाशम मन न माना, हाय मैं नहीं रहूँगा मेरा नाश हो जाएगा, इसको मानते हैं। इस अब देखो श्रुति क्या कहती है, श्रुति कहते हैं अप्राण ही अमाना शुभ्र यक्षरात्मा का स्वरूप है, अप्राण ही अमाना शुभ्र मतलब हम सोचते हैं प्राण और मन है तभी हमारे अस्तित्व हम समझ पाते हैं, तो श्रुति कहती है क्या कि तू प्राण और मन से रहित होकर कि तेरा अस्तित्व सिद्ध हो, मतलब कभी ऐसा इसीलिए तो जीवन मुक्ति नहीं है जीवन मृत स्थिति है, क्योंकि प्राण रहित होकर के जीना, प्राण चल रहा है परंतु प्राण रहित होकर के जीना, इसको भी कभी यदि छाना में ये नहीं आता तो इसको भी कभी मेडिटेट करना, इसके ऊपर विचार करना कि मतलब प्राण रहित अवस्था में भी मैं कैसे रह सकता, ये सुषुप्ति में तो प्राण चलता है परंतु हमारा बोध नहीं रहता और वो बोध नहीं रहने के कारण बॉडी आइडेंटिफिकेशन भी छूट जाती है, ऐसे जागरण में बैठ कर बाकी सब छोड़ करके थोड़ा ये जो योग दर्शन मेरे प्राणायाम की अभ्यास करते हैं, कि प्राणायाम की मुख्य यही है कि प्राण के आवागमन को देखते देखते क्या हो जाएगा, ये आपके सामने दृश्य हो जाएगा, तो मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इसको ये जो पूरा कुंभ का भी करते हैं पूरा कुंभ का भी करते क्या है कि इसको मैं पूरा कंट्रोल आ जाएगा, मतलब मैं तब क्या हो जाएगा प्राण के द्वारा मैं कंट्रोल नहीं हूँ, मैं प्राण को कंट्रोल कर, और यदि ये जन्म रहित अथवा पूर्णता की भाव को लेकर के कुंभ करेंगे, समझ में क्या बोला अरे जब पूरा का कुंभ बोलते हैं ना कि एक जन्म छोड़ दो, क्या छोड़ दो शरीर में तादात्म्यता को छोड़ करके मन को स्थिर मन बोलो, अथवा मैं पूर्ण हूँ मैं व्यापक हूँ असंग हूँ इसको भर करके कुंभ, हर दर्शन को आप अपने विदा के किसी से किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है, सभी का लक्ष्य यही है मुक्त होना है, योग दर्शन उपयोग मुक्ति दर्शन है ना, प्रकृति के विवेक से तो इस प्रकार से ऋचा कुंभक को आप अपनी तरफ से सोचिए कि क्या बनना चाहता है, यहाँ केवल वायु नहीं है प्रसाद में वायु नहीं है, आप अपने मन में विचार को भरिए और विचार को भर के उसको कुंभ करिए, अवांछित विचार को बाहर निकल दीजिए उसमें कुंभ करिए, देखिए मन की क्या स्थिति आप पा जाता है, अब प्राण ही अमाना शुभ्र भरने के बाद बार बार ये विचार ये क्या बोलना चाहते हैं, अब प्राण ही अमाना शुभ्र मतलब मैं प्राण रहित हूँ मैं मन रहित हूँ फिर भी मेरा अस्तित्व पूरा सिद्ध हूँ, शास्त्रों को हर शास्त्रों को मदद करने वाला है, कोई शास्त्र हमारे विरोध में नहीं है, इसलिए पहले बोलो अविवाद विरोधता, शिष्य विवाद नहीं है हमारे किसके पास, निश्चित होकर के तुम जिसको अच्छा लगता है किसी एक मार्ग को निश्चित रूप से अपना, यहाँ पे बोलते हैं चतुर्थते ही श्रोत्रिया स्थूल बुद्धि तक अजातिर अजातिर वस्तु न सदा त्रंसन त्रस्यंत आत्मनाश मन न माना अविवेक न इतिहास, वो लोग यहाँ पे विवेक नहीं कर पाते तेषाम, इस प्रकार अविवेकी व्यक्तियों का विवेक उत्पन्न करने के लिए अविवेकी व्यक्तियों में विवेक उत्पन्न तेषाम विवेक उपाय तेना जाति उपदिष्टा, उसके विवेक के उपाय के रूप में सृष्टि के बारे में कथन किया गया है, इति अत्र उपक्रम अनुकूलते, इस विषय में पहले जो कथन करके आया उसी को हम उपक्रम से पहले कथन करके आए उसको यहाँ पे मतलब अनुकूलते मतलब प्रमाण के रूप में कहना चाहते हैं, क्या वो जो कल हम बताते कि मृलोह विश्वलिंगाद सृष्टि चोदित अन्नता उपाय से अवताराय नस्तिकते उपाय है, ये और भी बोला था आश्रम उपासना के बारे में क्यों किया कथन किया, बोलते आश्रम त्रिविधा हीन मध्यम उपासना उपदृष्ट तदर्थम अनुकंप है, ये क्या आया है उन लोगों के तीन प्रकार के अधिकारी है, कुछ उत्तम अधिकारी कुछ मध्यम अधिकारी अधम अधिकारी, उन लोगों के लिए तो ये उपासना कर्म अधिकारी ध्यान किया गया है, उत्तम अधिकारी के लिए तो बस जन्म हुआ है विशिष्ट हुई सबसे अच्छा है, तेषा विवेक उपाय तेन जाति उपनिष्ठी अत्र उपक्रम अनुकूल के उपाय से अवधार है, ये हो गया हमारा 42, अब 43 में आने वाला है।
यहाँ पे इस प्रकार साधन करने वाले के लिए बोलते हैं। देखो शास्त्र में एक लिखा एक तस्में अदृश्य अनात्मानुरूप्य निगम अनिल उदरम अंतरम भूते अथ तस्वयं भवन नया हुआ है तो टीकाकार लिखते हैं उदरम अंतरम उड़ते अथ तस्वयं भवति इत्यादि श्रुतिभ्य ब्रह्मणे विकार दर्शिना भय प्राप्ति स्पूयते। ठीक है आपने आप देखिए क्या हुआ आपने जगत के एक कारण मान लिया ब्रह्म यदि ब्रह्म परिणामी उपादान होगा तो क्या हो जाएगा वो भिखारी होगा यदि ब्रह्म परिणामी उपादान होगा तो भिखारी होगा। ठीक है ना तो इसको देखो बोलते हैं यहाँ पे यदि इस ब्रह्म में थोड़ा सा भी आप भेद देखते हैं ये तो भिखार 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 थोड़ा भेद दिखेगा मतलब एक मृतिका के पूरा लोन थपरा हुआ उस पर से थोड़ा उठा करके विकार करके जैसा घरा बनाया इसी प्रकार ब्रह्म के एक भाग से थोड़ा सृष्टि हो गया ऐसा मानोगे उधर अंतर और पूर्व भेद देखोगे तथा तस्व भय भवती निश्चित उसका भय बना ही रहेगा द्वितीय भी भय भवती द्वैत वो जब तक रहेगा अद्वैतम शांतम शांतम शिवम अद्वैतम अद्वैतम अशांतम अशिवम इसका विपरीत भी समझना है द्वैतम अशांतम अशिवम अशांतम शिवम अद्वैतम तो यह पे उदरम अंतरम कुरुते अतस्व भयम भवति इत्यादि श्रुतिभ्य ब्रह्मणि विकार दर्शिनां भय प्राप्ति श्रूयते। ब्रह्म में विकार देखने वाले का मतलब जगत के मूल उपादान कारण में परिणाम को देखने वाले व्यक्तियों को भय बनाई नहीं बनाई जाए। पांच नंबर टिप्पणी बोलता है कुरुते मतलब पश्यति भेद दृष्टि को देखने वाले व्यक्ति को भय बनाई नहीं तथा च इसके फलस्वरूप श्रोत्रियानामपि भेद दर्शिना न अनुग्रहता इति आशंका आह फल तो क्या हो जाएगा तथा एज ए रिजल्ट ऑफ दैट है ना छह नंबर टिप्पणी में तथा इति भय और हत्य मतलब भेद बुद्धि कारण वो भय उसके अंदर बना ही रहेगा इसके फलस्वरूप श्रोत्रियानम अपि भेद आप भेद को पालन करते हैं परंतु भेद दर्शी है आप आत्मा में भेद देखते हैं क्रिया कारक फल आत्मा भेद देखते हैं भेद दर्शन न अनुग्रहता वो जो है मतलब उसके अंदर ईश्वर की अनुग्रह पूर्व पूर्ण रूप से नहीं हुआ न अनुग्रह वो नहीं हुआ यदि आशंका ऐसा कोई शंका करता है तो उसको कहते नहीं नहीं उसके ऊपर ईश्वर की उसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है। देखो भगवद गीता में सप्तम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चतुर्विधा भजन ते माम जना सुकृत नवजन आत्म जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी से भरत दर्शको यहाँ पे भगवान चार कोटि के लोग हमको भजन करते हैं आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी हम तो चारों कोटि में एक कॉमन क्वालिटी दिखाया चारों विभाजन होते कॉमन क्वालिटी क्या है सुकृति न हो चतुर्विधा भजन तेमाम जना सुकृति न प्रथम वो बदल है मतलब पूर्व जन्म की सुकृति है पूर्व जन्म की सुकृति वाले लोग मेरा भजन करते हैं मेरा भजन करते हैं तो ईश्वर अनुकूल को नहीं होगा ये बात नहीं है ईश्वर अनुकूल को है कहीं तो इसीलिए आपको आर्त होकर के भगवान को पुकारते हैं भगवान मेरे को दुख से रक्षा करो अच्छा है भगवान को तो बुलाया भगवान खुश होता है उससे फिर जिज्ञासु बार बार हम विपद में आते हैं और फिर कोई व्यक्ति मेरे को रक्षा करता है स्वाभाविक मेरा जिज्ञासु कौन है जो मेरे को ऐसा पीछे से पकड़ के मेरा रास्ता साफ करते फिर आगे से भी पीछे से पकड़ के रखते आगे से रास्ता साफ करते कौन है मुझे अर्थार्थी विषय चाहते हो धन चाहते हो कोई बात नहीं भगवान से मांगो बोलते विश्वस्त होगा भगवान है क्यों भगवान से बोले सुकृति जन्मांतर की सुकृति इसीलिए करते हैं और ज्ञान पर बाद में बोलता है उदार सर्व वेद ज्ञान जो अपने भी मान सब जो है उदार है अच्छे है सुकृत है मतलब ज्ञानी में तो विशेषता है इतना ही है बाकी लोग सृष्टि को मानते हैं जो लोग सृष्टि अनन्य कारण से मानते हैं उनकी तुलना में इनकी थोड़ा अच्छा है एक ही कारण मानो इसका सुकृति अधिक है फिर बात में ज्ञानी बन जाएगा इस अभिप्राय से बोलते हैं तथा चोत्रियाम भेद दर्शिना न अनुग्रह होता है आशंका इसलिए ये भगवद गीता जो है सर्वोपनिषद गावो दुर्धा गोपाल नंदन अब थोड़ा सा विचार करना है इसको उपनिषद मंत्र कैसे वहाँ पर किस किस प्रकार से भगवान ने दोहरा उसको है ना तो आपको बिल्कुल परिषद स्पष्ट समझ में आ जाएगा भगवद्गीता इसीलिए उसका हम निधिध्यासनात्मक ग्रंथ बोलते हैं किसको भगवद्गीता श्रुति हो गया श्रवण हो गया उपनिषद ब्रह्मसूत्र हो गया मनन और गीता हो गया निधिध्यासन बिल्कुल जितना अपना युक्ति से अलग विरुद्ध दिखाई पड़ता है निर्णय कर ये ऐसा ही है ऐसे ही निर्णय
और इसीलिए आप बोलते हैं कि तथा च छः नंबर टिप्पणी बोलते हैं तथा मतलब भय रक्त श्रोत्रिया नंबर भेद दर्शी नाम ना अनुग्रह उसको परिश्चित अनुग्रह तो नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है उसको परिश्चित अनुग्रह है और वो समझते भी है परंतु आगे भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा उनको इस समय श्रुति को और थोड़ा विषय श्रुति को और थोड़ा विषय तब समझ में आ जाएगा श्लोक में अजतेस्त्रशतां तेषा मुपालं भाद्वियन्ति ये जाति दोषान् शेत्स्यन्ति दोषप्यल्पो भविष्यति अजातेस्त्रशतां तेषां मुपालं भाद्वियन्ति ये जाति दोषान् शेत्स्यन्ति दोषव्यल्पो भविष्यति तेषां कौन है अजातेस्त्रशतां जन्मरहित सृष्टि को छह नहीं इस सिद्धांत में डरने वाले लोग क्यों डरते हैं बोलो ऊपर लंबा समाचार पहले दिया है ना किंतु हमने वस्तु प्राप्ति होती है वो तेषां अजाते त्रशतां उपलम्भात किंतु उपलम्भात अजाते त्रशतां तेषां तो क्या होता है वियन्ति वो जो है वेदांतिक सिद्धांत से थोड़ा विरुद्ध में चले जाते हैं थोड़ा विपत्त में चले जाते हैं वियन्ति जो लोग ऐसे जाते हैं ये वियन्ति जो अजाते त्रशतां उपलम्भा तेषां उनका वो जो वियंति वियंति में थोड़ा विपरीत थोड़ा उल्टा दिशा में चले जाता है जाति दोष नश्यति जन्म निमित्त जो दोष है जन्म निमित्त दोष मतलब वो जो परमाणु कारण बात अथवा प्रकृति कारण बात अथवा जो हमारा शून्य बात उस लोगों ने जिस प्रकार से जन्म सृष्टि के वर्णन की उस प्रकार के दोष से जो दोष होता है वो दोष इनके ऊपर नहीं है वो तो जगत के मूल कारण की वो दोष इनके ऊपर नहीं है ईश्वर भिन्न अन्न को जगत के कारण मान विवादन निमित्त कारण मानने वाला अलग अलग मानने वाले के जो दोष होते हैं वो दोष इसको ऊपर नहीं है वो दोष इसको ऊपर नहीं है इसलिए बोलते हैं कि ये अजाते तर्शनाम तेषां उपलम्भात् वियन्ति जे जो लोग उससे वियन्ति देखिए विरुद्ध निश्चित बनते विरुद्ध निश्चय कर लेते हैं मतलब सृष्टि हुई है ऐसा मान लेते हैं परंतु उनका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है वो ईश्वर को जगत को कारण माने वो परमाणु अथवा प्रकृति अथवा शून्य इसको नहीं माने इसलिए जाति को शनाशति अलग अलग भिन्न भिन्न कारण वहाँ पे तो नहीं है एक ही उपादान कारण तो एक ही वस्तु है संसार एक ही वस्तु इतना तो अब वो सत्य है कौन हिस्से सत्य है कौन हिस्से मिथ्या है इतना हम नहीं समझ पाते इस प्रकार मैं चेतन हूँ ये सभी का अनुभव में है परंतु ये चेतन तत्व जन्म रहित है व्यापक ही हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम शरीर के साथ आत्मा करके जन्म मृत्यु को अपना लेते हैं और चेतन को परिच्छिन्न कर लेते हैं इतना हिस्से में हम कभी रह गए यहाँ भी ऐसे ही है वो जगत की सृष्टि को मानने वाला ईश्वर को माना परंतु एक ईश्वर को माना दोष भी अल्प थोड़ा तो दोष रह जाएगा दोष भी अल्प भविष्य मतलब क्या हो जाएगा ये ब्रह्म के चिंतन के फलस्वरूप ब्रह्म लोग में जाएंगे ब्रह्मलोक में जाकर के यदि मुक्ति की इच्छा होगी तो वहाँ से क्रम मुक्ति होगी और नहीं होगा तो ये अल्प दोष रह जाएगा और नहीं होगा तो उसको फिर आना फिर यहाँ पे आके प्रयास करेगा तो ये यही जो है यहाँ पे कि एक ईश्वर मानने वाले ब्रह्मलोक एक ईश्वर को चिंतन करेंगे ईश्वर को चिंतन करने का फलस्वरूप क्या हो जाएगा वो ब्रह्मलोक तक चले जाए वहाँ से क्रम मुक्ति हो सकते हैं और संभावना भी अधिक है ब्रह्मा जी को मुझे इसलिए यहाँ पे बोलते हैं किंतु वो जो अलग अलग कारण से जगत की उत्पत्ति होता है उससे जो दोष होता है तब तो वहाँ तो भेद पहले से आपने मतलब शुभ में ही भेद मान दिया तो क्या मतलब पर जल की परमाणु अलग इसके परमाणु अलग इसके अनुसार भेद वहीं से आपने शुरू कर दिया कम से कम वो नहीं किया शुरू में तो एक आपने एक ही अद्वैत ही माना फिर बाद में उपाधि से भेद दिखता है वो बाद में विचार करके उसको समझ में आ सकता है इसी उपाय से बोला हुआ है इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं तो उन लोगों का तब तो ईश्वर अनुभव उसको तो मुक्त नहीं होगा बोलते नहीं नहीं ये बात नहीं है थोड़ा सा दोष होगा परंतु ईश्वर अनुभव अर्थात मुक्ति उनको भी हो जाएगा तो देखिए ये घबराने की बात नहीं है अजात बात समझ में नहीं आ रहा है परंतु ब्रह्मवाद समझ में आता है अजात बात समझ में नहीं आ रहा है परंतु ब्रह्म कारणवाद समझ में आता है ब्रह्मवाद दस से जा तो कोई बात नहीं उसको लेकर की चलती उससे भी अजात बात समझ में आ जाएगा उससे अजात बात समझ में आ जाएगा
प्रतीत एतावत् अधिकरण आता है ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय द्वितीय पद में प्रतीत एतावत् अधिकरण अथा तो आदेश करके जो बोला था ना कि मूर्तम च बस उसमें पे जो दो बार निषेध किया गया है तो दो बार निषेध से किसको निषेध किया गया है मतलब नाम रूप का अधिष्ठान दोनों को तब बोलते नहीं नहीं वहाँ पे जो है सारा नाम रूप को निषेध कर दिया गया है जितना जहाँ कहीं दो बार बोलने का विपक्ष है निषेध जहाँ कहीं आपको कुछ वस्तु नाम रूप में दिखाई दे रहा है मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है उसके निषेध है ऐसा करके वहाँ पे निरूपण किया गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कथा चलते आप यदि इस ब्रह्म बात को भी पकड़ के चलेंगे तो भी आप धीरे धीरे अजात पद में पहुँचेंगे भगवद गीता को भी ठीक से पढ़ेंगे अजात पद इसीलिए भगवान भाष्य करना देखो बोलकर भाष्य को देखना भगवद गीता को बोलकर भाष्य को देखना स्पष्ट करेगा कोई श्लोक अर्थ को नहीं बिगाड़ा पर वहाँ पे लिख दिया कि भगवान जन्म रहित है सृष्टि होना जन्म भी नहीं है अपने आप लिखा हुआ इसलिए आप बोलते हैं तब यदि अवलोकन प्रणाम करते यदि आशंका सात नंबर टिप्पणी मैंने नहीं पढ़ा था सात नंबर टिप्पणी बोलते हैं आह मेरा सात नंबर टिप्पणी हाँ भेद दर्शित्य अपि श्रोत्रियाणां सात मार्ग अवलंबितेन कल्याण कृत्वा अस्ति एव अनुक्रायत तभी देखिए मतलब ठीक है भेद दर्शी है वो लोग परंतु श्रोत्री है भगवान को मानती है इसीलिए बोलते हैं सन्मार्ग सन्मार्ग को अवलंबन करके चलता है इसीलिए कल्याणकृत हम बोलेंगे नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति है ना ये पुत्र एक बार कल्याण के मार्ग में पैर रखने से उस व्यक्ति का कभी भी दुर्गति नहीं इसीलिए उसके अंदर ईश्वर अनुग्रहता नहीं है ये बात नहीं है उसके अंदर ईश्वर अनुग्रहता है इसलिए भेद दर्शित भेद दर्शन करने वाले होते हुए भी श्रोत्रियाणाम सन मार्ग अवलंबित जो मात्र श्रोत्रिय ब्रह्म अब ठीक है क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है जगतनिष्ठ नहीं है ब्रह्म अब इसमें भेदनिष्ठ नहीं है एक निष्ठ सन मार्ग अवलंबित न कल्याण कृत्य अस्थि एवं अनुग्रह उसके प्रति भी ईश्वर तो अनुग्रहता है ऐसा समझना पड़ेगा ततश्च तत् अनुग्रहाय जाति उपदेश वापी न्याय इसलिए उसको अनुग्रह करने के लिए उनके लिए सृष्टि की उपदेश करना भी युक्तिसंगत हो जाता है एवं यदि एवं बुद्धानाम यदि अभिप्राय ना तो मतलब बुद्धिमान को संप्रदाय आचार्य लोग जब देखा मैं कल बताया था एक व्यक्ति डर के मारे भाग रहा है उसको है तो मूर्ख है भाग गया ये बोलना से वो व्यक्ति कभी नहीं उड़ेगा उसको पहले यही बोलना पड़ता है जो तुम जो समझे ठीक है आओ मैं चाहे भी शांत हो जाओ तब व्यक्ति बैठेगा रुकेगा तब आप उसको समझा सकते हैं इसी ना बोलते ही हमारे लिए जहाँ तक आपने मान्यता दी देखो जब नारद ऋषि शरद कुमार के पास जाते हैं ना जाकर के बोलते हैं श्रीनंद में भगवत दृश्य तरति शोकम आत्मा भी शुभम भगवत शोचमी तम माँ भगवान शुभ स्वपाल उतारे मैं आपके समान पुरुष से सुना कि जो आत्मविद्ता पुरुष शोक को पार कर जाते हैं भगवान मैं तो 64 कला विद्या का ज्ञाता हूँ फिर भी मैं शोक करता हूँ आप मेरे को शोक के पार कर तो शरद कुमार बोलते हैं उनको जो जो तुम जानते हो वो बोलो फिर क्या जानते हो शोक को पहले नहीं करता इसलिए भगवान भक्त से अर्जुन को भी मौका दिया पहले आपने पूरा बोलने के लिए जितना उनके अंदर ज्ञान था जितना था सब कुछ सुन ले और एक एक करके उसको उत्तर देता केवल एक का उत्तर नहीं दिया जो उच्चदंते जाति धर्म कुल धर्म शासित वो मतलब यदि उनके पुरुष नष्ट हो जाता है तब चाहता है कि कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाता है इसका उत्तर नहीं दिया क्यों वो आगे होने वाला था भगवान को दिखाई देगा बाकी सबको उत्तर दिया जितने अर्जुन के प्रश्न केवल इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने क्योंकि भगवान ने मान लिया कि किसी के कुल की मर्यादित पुरुष नष्ट होता है तो कुल की स्त्री तो उसी जमन जमन लोग जो लेकर और जो वही वर्ड युद्ध है कुछ नहीं करता उसमें तो यहाँ भी ये बोलते हैं कि उनके प्रति भी अनुग्रह है न्याय एवं बुद्धानाम इत्यादि बुद्धिमान व्यक्ति का ये अभिप्राय है वो व्यक्ति जहाँ तक जानता है उसकी मान्यता दो उसकी मान्यता देकर उसके अंदर थोड़ा हिम्मत को बढ़ाओ फिर वो आपके साथ चलने लगे और पहले ही उसको नाराज कर दोगे तो वो बेचारा घबराएगा आएगा नहीं इसीलिए हमारे आचार्य ने वहाँ पे सृष्टि की उपदेश की तो श्रुति में इसलिए उसकी सृष्टि की आचार्य कोई भी ब्रह्मसूत्र का कोई सूत्र श्रुति के बाहर नहीं है श्रुति का वर्णन भी लिखा हुआ है श्रुति उपदेश के ऐसे आ जाते हैं। अच्छा फिर आगे देखिए जाति दोषा नश्यत संति दोष भविष्यति जन्म निमित्त जो दोष है मतलब अलग अलग उपादानुसार अलग अलग जन्म होता है इससे जो दोष होते हैं वो उनके लिए नहीं होगा परंतु थोड़ा दोष रह जाएगा थोड़ा दोष मतलब क्या वो जन्म रहित नहीं समझ पाएगा
फलगत होने को एक आप जन्म और ले सकते हैं, लेना रामचौ का हो सकता है। जाति तो मतलब दूसरा भी अल्प भविष्य मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है ब्रह्म लोग नहीं दिया मुक्ति की इच्छा तीव्र हो, भगवान क्या करेगा उसको एक आप जन्म मनुष्य लोग नहीं देगा, देख करके फिर उसको हिंसा वो थोड़ा सा दोष करेगा। देखो भगवद गीता में अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं अजति श्रद्धा के तो जगत चली तो मानस अप्राप्त काम करे, तो भगवान दो व्यक्ति हैं सूची नाम श्रीमत नाम गे जो को भ्रष्ट हो जाए एक अथवा योगी नाम एवं पूरे भगवती की मतलब बेटा कि दुर्लभ मतलब क्या हो गया उसको दूसरे लोक में जा करके शुभ भोग करके फिर सूची नाम एक हो गया एक कैटेगरी मतलब भोग इच्छा के कारण साधन से च्युत हो गया और वैराग पर विवेक के अभाव से साधन से च्युत हो गया तो उस व्यक्ति को फिर एक योगी के पुण्य में। इसीलिए दोष भी अल्प छोटा छोटा चीज आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी यदि आप ठीक से समझते हैं इस चीज़ को क्या बोलना चाहते हैं। एक या मैक्सिमम दो जन्म के अंदर फिर मुक्त हो जाएगा भगवान को मानने वाला व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर के पास उसको जन्म रही तो समझ में आ जाएगा कि जन्म मृत्यु मेरा नहीं है, जब तक मैं जन्म मृत्यु को मान्यता दूंगा तब तक जन्म मृत्यु होता है। ये अभिप्राय यहाँ पे बोलते हैं कि दोष की अल्प भविष्य थोड़ा सा सटल चीज है यहाँ पे समझना है आपको कि क्या किस किस लिए बोल रहे हैं ऐसा क्या करना है आपको। अच्छा आप देखिए यहाँ पे आगे बोलते हैं नहीं यहाँ पे टीका में आ जाएगी और जाते अशतम देशम उपलम्बन बेलती थे जाति पोषण अशत दोष अल्प भविष्य ये जो अजाति पोषण अशित को नहीं कल्याण के कश्चित दुर्गति अच्छी स्मृति भगवत के ष्ट अध्यय है तो तेषाम आत्यंतिक पतन अभाव अभी मतलब कहा जाएगा उसका वो गिर जाएगा साधन से हट जाएगा ये कभी नहीं नहीं होगा। आत्यंतिक पतन अभाव अभी निंदा इसलिए वो निंदनीय नहीं है, वो निंदनीय कौन वो जो व्यक्ति एक मतलब ईश्वर कारणवाद अपने ब्रह्म कारणवाद को मानते हैं वो निंदनीय नहीं है, वो सुकृति और स्तुति करने योग्य है। इसीलिए बोलते हैं निंदा अनुभवत्य कश्चित दोष लेश संभव थोड़ा सा दोष के लेश वाक होना सभी आशंका संभव दर्शन अप्रति प्रयुक्त केवल इतना ही है ठीक से अभी भी अपने जन्म मृत्यु का ही थोड़ा समझ नहीं पाए इसके लिए जितना दोष है उतना दोष उसका नहीं जाएगा। बाकी एक ईश्वर कारणवाद से लिए जितना लाभ है वो लाभ उसका मिलेगा। बोलते हैं सम्मत दर्शन अप्राप्ति प्रयुक्त गर्भ भाषादि दोषम अभ्यनु जानते ये जो है यहाँ पे तो आनंद के स्पष्ट मतलब उनका जो है कि हम एक या दो जन्म में मुक्त हो जाए ये मान्यता देते दोष पे अल्प भविष्य सामान्य रूप से ये बोलते हैं कोई व्यक्ति निश्चय गुरु के आश्रय प्राप्त हो जाते हैं और जब गुरु निष्ठान जब चलते हैं मैक्सिमम थ्री वर्ष मैक्सिमम तीन जो चलते उसका आगे और दो और यदि अधिक इष्ट होगा तो इस जन्म में यदि अधिक कमेंट नहीं तो एक जन्म होगा। इसीलिए यहाँ मेरे को हम लोग को अपने आप कल्पना नहीं करना पड़ेगा शास्त्र से ही पता लगता है शास्त्र से ही पता लगता है। इसीलिए आप बोलते हैं इसको फिर से देखिए नहीं कल्याण के कश्चित दुर्गति प्राप्त अच्छा भी स्मृति तेषा आत्यंतिक पतन अभाव पर इस प्रकार ईश्वर कारणवाद ब्रह्म कारणवाद एक कारणवाद मानने वाले उन लोगों का सृष्टि को मानता है आत्यंतिक आत्यंतिक आत्मा पट्टी बोलते हैं नरक तेरे जगह पतन वो नरक लोग नहीं जाएगा कल भी नहीं जाएगा पतन अभाव अभी निंदा अनुभव क्या निंदा मतलब जो सुख निंदा करते हैं ना कि मृत्यु समृत्यु मतलब ये उसके उस प्रकार निंदनीय नहीं है कि वो एक तत्व को माना जिस प्रकार किसी ने राम को माना तो राम ही अकेला तत्व है कृष्ण को माना कृष्ण अकेला तत्व है कोई गलती नहीं है उसमें हम निषेध नहीं करते। हमने ऐसा भी सुना कि वृंदावन में जो मीना मीना के हर बाल क्या है जो भगवान की मंदिर है ना वहाँ पे उनका शरीर लय हो गया और उसका वस्त्र भगवान के हाथ में लग गया मीना की मतलब उनकी एकत्र दृष्टि के पल से ऐसा भी है भगवान में लय प्राप्त करते हैं बाकी भी हरि मंदिर बाकी भी हरि मंदिर मेरा मतलब कैसे और इसलिए यहाँ पे उनको एक या दो जन्म में मुक्त हो जाता है परंतु मुख्य एकत्व बुद्धि चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ इसलिए सविशेष में भी यदि एकत्व बुद्धि होता है कोई बात नहीं उस ईश्वर की कृपा से भी विशेषता समझ में आ जाएगा। सविशेष में भी यदि एकत्व बुद्धि होता है राम तो राम शिव तो शिव कृष्ण तो कृष्ण कोई बात नहीं परंतु एकत्व बुद्धि मुख्य है तो फल का क्या हो जाएगा उस ईश्वर की कृपा से फिर निर्विशेष भी समझ में आ जाता है। इसीलिए आप बोलते हैं अनिंदा अनुपत्ता कश्चित दोष लेश संभव थोड़ा सा दोष की लेश मीति आशंका संभव दर्शन अप्राप्ति प्रयोग अभी जन्म मृत्यु से रहित मैं हूँ इतना मात्र को पता नहीं है
इतने से क्या होगा, वो गर्भाशादी का थोड़ा सा दोष उसको मिल सकता है, इतना हम मानते हैं। अब भी जाते हैं हमारे ये स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं जाने दे दोष का भी अल्प भविष्य थोड़ा सा दोष रह जाता है, क्या एक या दो जन्म लेना पड़ सकता है, इतना ही दोष है। अब बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं अन्वयम आदर्शयन पादत्रय गतानि अक्षराणि योजयन्ति, इस बात की अन्वय को दिखाते हुए है ना, श्लोक में आए पदों को अन्वय को देखिए, अन्वयम आदर्शयन पादत्रय गतानि, तीन पाद मतलब जाति गोषति हद तक की जो बात है, इस पाद के तीनों पाद में आए हुए अक्षरों को अन्वय करके भगवान भाष्यकार दिखाते पदों को दिखाते हैं, योजयन्ति योजयति भगवान भाष्यकार, अक्षराणि योजयति भगवान भाष्यकार। अब आइए भाष्य, ये च एवं उपलब्धात् समाचारात् च अजाते अजाति वस्तुनः त्रसन्तो अस्ति वस्तु इति अद्वयात् आत्मनो वियन्ति विरुद्धं यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्ते इति अर्थ। ये मतलब जो लोग ये अन्वय क्यों बोल रहे हैं कि अन्वयम आदर्शयन भगवान भाष्य में जहाँ पे जो पद आया हुआ है उसी को वहाँ अर्थ कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये पद देखो बिल्कुल अंत में है श्लोक के द्वितीय पाद में अंतिम पद है, ये उसको पहले लिखा, ये वाक्य की करता है, ठीक है ना। इसलिए यो लोग एवं उपलब्ध इस प्रकार से उपलब्धि होते हैं, हम वर्णों और अष्टम धर्म संबंध उससे पालन करते हैं, इसीलिए क्या होता है अजाते मतलब जन्म रहित से मतलब अजाति वस्तु जन्म रहित शुद्ध आत्मा उससे प्रसन्त डर करके अस्थि को बोलते नहीं वस्तु है बाहरी वस्तु है अस्थि वस्तु इति इति अद्वयात आत्मन भेद रहित आत्मा से वियंती थोड़ा विरुद्ध चले जाते हैं, भेद रहित आत्मा से वियंती विरुद्ध हम जाते हैं थोड़ा उल्टा घूम जाते हैं, मतलब क्या हो गया द्वैतम प्रतिपद्यन्ते वो उसको द्वैत दिखाई दे रहे थे इति अर्थ। तेषाम अजाते त्रसताम श्रद्धाधानानाम सन्मार्ग अवलंबिन, देखिए वो लोग अद्वैत मतलब जन्म रहित जो अद्वैत तत्व है उससे थोड़ा हट जाने पर भी तेषाम अजाते तो मतलब केवल जन्म से घबराते हैं, जन्म रहित से घबराते हैं, कैसे सृष्टि को दिखाई पड़ते हैं उसमें घबराते हैं, परंतु ईश्वर में श्रद्धा है वेदांतिक सिद्धांत में श्रद्धा है, श्रद्धाधानानाम और सन्मार्ग अवलंबिन वो सत्य को अवलंबन करके चलना चाहते हैं, अवलंबन जाति दोषा इसका अर्थ करते हैं, जाति दोषा क्षेत्र ना उसको बोलते हैं जाति तक जाति उपलंघन करते हैं दोष ना क्षेत्र, अलग अलग वादियों को अलग अलग कारण से सृष्टि किया है तब संबंधित दोष इसको नहीं होगा। इसलिए तीन नंबर टिप्पणी बोलते हैं जाति निश्चय कृता जाति नहीं मतलब ये जो है एक ही वस्तु से सारा सृष्टि हुआ, इस निश्चय के कारण अन्य अन्य वस्तु से उत्पत्ति से जो अलग अलग वस्तु दिखाई वो कभी जाएगा मिटेगा ही नहीं, यदि हम अलग अलग उपादान कारण मानेंगे तो भेद दृष्टि हमेशा बनी रहेगी वो दोष उसको नहीं जाएगा, जाति जाति दोषा जाति उपलब्ध न सिद्धि नहीं होगा, फलत कर जाएगा सिद्धि न उपास्यन्ति, वो जब मुख्य जो जन्म की सफलता मनुष्य जन्म की सफलता इसी में इसी शरीर में प्राप्त तो नहीं कर पाएगा। देखो सिद्धि एक क्रियापद दिया ठीक है ना, सिद्धि क्रियापद दिया हमें ममा लगा ये बात पूरा हो गया, इसी का अर्थ करते हैं क्या होता है दोष न मतलब क्या जाएगा सिद्धि न उपया उपेयास्यन्ति उपयास्यन्ति यहाँ पे उपया धातु है सेकंड कंजुगेशन अदादिगण के धातु है यास्यति दस्यति दस्यन्ति फ्यूचर टेंस है और उप मतलब पास या धातु अदादिगण के मतलब उपगच्छन्ति जैसे उपगत मतलब क्या सिद्धि न उपगत मतलब मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इतना ही इसी शरीर में मनुष्य जीवन को पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, न शेत शांति का अर्थ करते हैं, शेत शांति का अर्थ क्या कर दिया न पहले से दोष न शेत शांति का अर्थ है सिद्धि न वयंति मतलब मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता को इस शरीर में प्राप्त नहीं करते, इतने मात्र करते परंतु विवेक मार्ग प्रवृत्ति विवेक मार्ग में प्रवृत्ति यद्यपि कश्चित दोष वो थोड़ा तो दोष होगा सुअपि अल्प भविष्य परंतु बहुत थोड़ा ही होगा बहुत थोड़ा मतलब इस समय अजातवाद समझ में नहीं आने पर भी ब्रह्मवाद अथवा ईश्वरवाद यदि समझ में आता है उससे भी काम चलेगा, थोड़ा दोष होगा कि मैं अभी तक नहीं मान पाऊंगा कि मैं जन्म मृत्यु से रहित हूँ परंतु थोड़ी देर में वो समझ में आ जाएगा,
विवेक मार्ग, क्योंकि विवेक मार्ग में प्रवृत्त हुआ, जितना विवेक हो गया कि मूल कारण एक ही है, अनेक नहीं, जितना विवेक हो गया इस कारण से यद्यपि कश्चित दोष से अद्यपि थोड़ा बहुत दोष होगा, सुरपि अल्प एवं भविष्य का थोड़ा ही कम होगा, अल्प मतलब नरक पाद आदि अपेक्षा अल्प, और नीचे गिरना भेद दृष्टि कारण जो अलग अलग उससे थोड़ा ही अल्प, इसी मनुष्य दूसरा मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा, कोई जो भी मूल में आएगा फिर ये बोलते हैं यहाँ पे अल्प भविष्य संभव दर्शन अप्रस्तुति हेतु का, क्यों वो जो संभव दर्शन की बोध ठीक से नहीं समझ, उस कारण से संभव दर्शन अप्रतिपत्ति मतलब अबोध, संभव दर्शन के पूर्ण विवेक के हेतु का इस प्रकार हेतु बना होने के कारण थोड़ा सा एक दो जन्म ले सकता है, एक दो जन्म संभव नहीं हो सकता, इतना ही इसका अर्थ। देखो आनंद गिरी जी बोल रहे हैं कि छोटा सा चतुर्थ पादम व्याचष्ट चतुर्थ कहाँ पे यद्यपि कश्चित दोष से है ना, यद्यपि वहाँ पे कोई दोष हो सकता है, सो भी अत्यंत अल्प में वो दोष अभी अल्प भविष्य वो थोड़ा सा दोष होता है, चार नंबर टिप्पणी उतना तो दोष नहीं होगा कि आप नीचे निम्न ज्योति में तो नहीं आएंगे और कर्माशक्त नहीं होगी, मतलब राजसी का तामसी गुण के फलस्वरूप जिस प्रकार के ज्योति प्राप्त करते हैं उस प्रकार ज्योति को प्राप्त नहीं करते, ऊर्धव गच्छन्ति सप्तस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्य विनोवृत्तिस्तु अधो गच्छन्ति तामसः, जघन्य विनोवृत्ति आदि को नहीं है आप सत्य के, इसलिए बोला कि इस विवेक मार्ग प्रवृत्तत्व मतलब सत्य गुण की आजीव करता के कारण विवेक पूर्वक प्रवृत्त हो रहा है, और अगर क्या हो जाएगा ऊर्धव इसको अभी अल्प पता ही नहीं, थोड़ा सा दोष एक आदि जन्म ऐसा कोई योगी के कुल में पैदा होगा, मतलब वामदेव की तरह तो अष्टभक्त मात्र गर्भ में अभी व्यक्त हो जाएगा, थोड़ा सा भी प्रतिबंध होता है। अब यहाँ पे जो कश्चित शोपी जो कश्चित दोष है, हमने कश्चित मतलब निंदा अनुपत्ति सूचित इति जावत, मतलब ये जो शास्त्र में कहा ना कि मृत्यु समृत्यु मात्मति जो नाना इंद्र प्रश्न निंदा के भेद दर्शन की निंदा किया गया, उस निंदा निमित्त से जो दोष होना है, जो आप निंदनीय रह गया तो लगा क्या क्योंकि पूर्ण तो अभेद नहीं समझना है, इसके लिए दोष है उस दोष निमित्त थोड़ा एक आदि जन्म लेना पड़ सकता है। कश्चित निंदा उधर कश्चित देखिए यद्यपि कश्चित होती का भाष्य के पद है, भाष्य की माए तरह कश्चित कश्चित अर्थ कर रहे टीका का कश्चित निंदा अनुपत्ति, वो जो निंदा किया गया निंदा मतलब क्या मृत्यु समृत्यु मात्र जो मतलब क्या हो गया भेद दर्शन की निंदा की फलस्वरूप उसकी युक्ति से क्या हो गया थोड़ा सा दोष होगा, इसलिए बताने को सूचित इतिजाम इसको नहीं तो निंदा युक्ति संगत नहीं होता, यदि यहाँ पे दोष नहीं होता भेद दर्शन में दोष नहीं होता तो भेद दर्शन की निंदा युक्ति संगत नहीं होती, भेद दर्शन में कोई दोष नहीं होता तो भेद दर्शन की निंदा नहीं करती श्रुति, यानी कि भेद दर्शन दोष है, इसीलिए उस दोष कारण उसको जो भोगना हो उतना मत उतना मत कश्चित निंदा की द्वितीय भयम भवती न मृत्यु समित इस प्रकार तो दोष दिखाया है ना, उस दोष क्योंकि बिल्कुल भेद दर्शन अभी थोड़ा रहेगी उस निमित्त उसको निंदा की गई है, ठीक है आज ही कहते हैं श्रुतिशमिनयाप्तिरग्रान्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुतौ सर्वभावैर्नमस्ते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणाम्।